लोहरदगा के बगड़ू थाना क्षेत्र से अपहृत नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। विगत 8 अक्टूबर को 17 वर्षीय लड़की को शहाबुद्दीन मीर नामक विवाहित व्यक्ति ने बहला फुसला कर अगवा कर लिया था। मामले में आदिवासी सामाजिक संगठनों ने लोहरदगा पुलिस कप्तान हारिश बिन जमा से मुलाकात कर लड़की की सकुशल बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी व कड़ी सजा देने की मांग की थी। SP ने आश्वासन दिया था कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द लड़की को कुशल बरामद करेगी। पुलिस को पता चला कि लड़की को आरोपी कर्नाटक ले गया है, तब लोहरदगा से पुलिस की विशेष टीम जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल थी कर्नाटक पहुंचकर लड़की को सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी को धर दबोचा। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। देखिए, बगड़ू थाना में केस प्रतिवेदित हुआ था जिसमें एक नाबालिग बच्ची के अपहरण करने को लेकर एक रिपोर्ट लिखाई गई थी, उस पर विधिवत FIR किया गया। FIR करने के बाद एक टीम बनाई गई, उस टीम ने अभियुक्त को पकड़ने के लिए कई जगह पे छापेमारी की। पहले तो कुछ लोकेशंस यहाँ के आसपास के आए वहाँ पे किया गया, फिर ये देखा गया, कुछ कुछ सूत्रों से पता चला, टेक्निकल एविडेंस से हम लोगों को जानकारी मिली कि जो अभियुक्त है और जो लड़की है वो दोनों कर्नाटक में बैंगलोर में एक जगह पर छिपे हुए हैं। तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने टीम भेजी, विधिवत यहाँ से एक महिला अधिकारी को भी भेजा गया और फिर वहाँ पर लोकल पुलिस के सहयोग से छापेमारी करके अभियुक्त को और जिस बच्ची को किडनैप किया गया था उन दोनों को बरामद किया गया। वहाँ पे कोर्ट की प्रक्रिया पूरा करते हुए उनको वापस यहाँ लाया गया। यहाँ आने के बाद जो प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, उसको पूरा करते हुए हम लोग आगे विधिवत कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट।